हेलो, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल रेक्सन एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। तो आज है हमारे पास टाटा की नई टिगोर 2019 फेसलिफ्ट वर्जन एक्जेड वेरिएंट में, ये वाइट कलर में। ये इसका राइट साइड व्यू, ये इसका फ्रंट और ये इसका लेफ्ट साइड व्यू। जैसे कि ये टाटा की नई 2019 फेसलिफ्ट वर्जन है, तो इसमें टाटा ने थोड़े छोटे छोटे ट्विक्स किए हैं। जैसे कि ये नई क्रोम ग्रिल हनीकॉम डिज़ाइन के साथ, और ये नई टाटा की बैजिंग नीचे दी गई है एक क्रोम स्ट्रिप। इस वेरिएंट में हमें मिलते हैं फॉग लैंप, और यहाँ देखने को मिलते हैं कन्वेंशनल लाइट, प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं मिलते। इस गाड़ी का व्यू जैसे आपको पता ही है, टियागो से मिलता जुलता है। अब इसके बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में हमें देखने को मिलता है टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओवर वीएम। इस वेरिएंट में हमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलते। यहाँ पे देखने को मिलते हैं 14 इंची के टायर्स व्हील कवर के साथ, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स क्रोम स्ट्रिप के साथ। ये यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, यहाँ पे रूफ रेल पे हमें रेड स्टॉप लाइट्स देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके रियर की, तो रियर में कुछ ऐसा डिज़ाइन हमें दिखता है। यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें क्रिस्टल टेल लैंप्स, ये टेल लैंप्स एलईडी है, और टर्न इंडिकेटर कन्वेंशनल बल्ब्स के साथ। एग्जिट की बैजिंग ये हमने जायका मोटर से परचेस की है, ये टाटा की बैजिंग। और लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलते हैं टिगोर की बैजिंग, ये यहाँ पे शानदार क्रोम स्ट्रिप। इस वेरिएंट में हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, उसके बजाय हमें यहाँ पे चार सेंसर्स देखने को मिलते हैं। बात करें इसके बूट की, तो बूट मैन्युअली ऑपरेटेड है, रिमोट से नहीं खुलता है, तो इसे हमें की से ही खोलना पड़ेगा। द बेस्ट इन सेगमेंट इसका बूट है, जो हमें देखने को मिलता है 419 लीटर के बूट कैपेसिटी के साथ। यहाँ पे कुछ चीज़ें, फर्स्ट एड किट और ट्रायंगल। यहाँ पे मिलता है इसका स्पेयर व्हील, 13 इंची स्पेयर व्हील, और कुछ टूल्स। बाकी गाड़ियों की तरह है, इसमें हमें यहाँ पे हिंचेस नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप 419 लीटर बूट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये गैस पाइप ओपन एंड क्लोज करने के लिए सपोर्ट करते हैं। टाटा ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि ये ओपन दे दिया गया है, इसे कवर नहीं है। ये गाड़ी दो वर्जन में मिलती है, पेट्रोल और डीजल में। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की, तो ये रही इसकी चाबी, अनलॉक लॉक और फॉलो मी होम लैंप के साथ। ये स्वाइप की है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया है इस टिगोर में।
ये इसका ड्राइवर साइड डोर जो कि वाइड ओपनिंग के साथ मिलता है। ये इसके पावर विंडो के बटन्स, इनसाइड डोर हैंडल्स जो कि ब्लैक कलर में दिए हैं, और ग्रैब हैंडल्स हमें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। ये इसके ORVMs के कंट्रोल, ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, ऑटो फोल्डिंग नहीं है। ये थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील टाटा की बैजिंग के साथ। यह है इसका म्यूज़िक सिस्टम जो कि पावर्ड है हरमन कार्डन से, और इस वेरिएंट में हमें मिलते हैं JBL के 4 स्पीकर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। एसी वेंट्स पे इस वेरिएंट में हमें मिलते हैं 2 एयरबैग्स, एक यहाँ और एक वहाँ। इस वेरिएंट में हमें ट्विटर्स के लिए जगह दी गई है। यह है इसका सेंटर कंसोल, यह है इको मोड। इस वेरिएंट में हमें 2 मोड मिलते हैं, इको और सिटी। यह है इसके एसी के कंट्रोल्स, ये मैन्युअली एडजस्टेबल है, और नीचे USB ऑक्स और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यह है इसका गियर लीवर, यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर्स। ये है इसका पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे कुछ कॉइन रखने के लिए। यहाँ पे पहले 12 वोल्ट का सॉकेट आया करता था, लेकिन कॉस्ट कटिंग की वजह से यहाँ पे देना बंद हो गया। ये स्टेयरिंग एडजस्टेबल स्टेयरिंग है, यहाँ से ये एडजस्ट होती है। यह है इसका MID, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे RPM मीटर, बीच में MID में पर लीटर एवरेज, डिस्टेंस टू MT, क्लॉक और सर्विस इंटरवल के ड्यू पता चलते हैं। बात करें इसके यूटिलिटी स्पेसेस की, तो ड्राइवर के साइड दिया हुआ है वॉलेट होल्डर, यहाँ पे कुछ स्पेस, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स कॉइन रखने के लिए जगह, और ये पीछे में बॉटल होल्डर्स। ये है इसका ग्लव कंपार्टमेंट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, यहाँ पे कुछ स्पेस, यहाँ पे कुछ स्पेस, ये कूल ग्लव बॉक्स। यहाँ पे एक 2 kg का हुक दिया गया है जो कि कुछ चीज़ें लटकाने के लिए अच्छा है। सामने के डोर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1/2 लीटर बॉटल जा सकती है। यहाँ पे फैब्रिक अपोल्स्ट्री, ये पियानो फिनिश के साथ। अब देखते हैं इसके रियर सीट। कुछ इस तरह से है बैक सीट का डोर वाइड ओपनिंग के साथ। यहाँ पे 1 लीटर बॉटल की स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे भी ट्विटर के लिए जगह। यह है इसके पावर विंडो के कंट्रोल्स, और ये जो हैंडल है वो ब्लैक में। कुछ इस तरह से दिखती है इसकी रियर सीट्स, काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी आरामदायक सीट्स। यहाँ पे मिलती है रियर आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ। इसका जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है। बात करें सामने की सीट्स की, तो सामने की सीट्स कुछ इस तरह से दिखती है, काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट, और इसका हेडरेस्ट एडजस्टेबल, कुछ यहाँ से एडजस्ट होता है। ये सेंटर लाइट LED दिया हुआ है, ग्रैब हैंडल्स पैसेंजर्स के लिए।
ड्राइवर साइड में, नीचे में टायर प्रेशर, इसकी सीट्स हाइट एडजस्टमेंट के साथ रिवर्स फॉरवर्ड मैन्युअली एडजस्ट होती है। रियर की बात करें तो यहाँ पे एक बॉटल होल्डर, यहाँ पे ट्विटर्स के लिए स्पेस, और कुछ इस तरह से दिखता है सामने का डैशबोर्ड। ये सेंटर कंसोल बड़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया हुआ। यह है इसका इंजन, 3 सिलेंडर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल, 0.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है। ये इसकी बैटरी, ये ABS। इस वेरिएंट में हमें मिलते हैं ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, 2 एयरबैग। ये रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर। तो जैसे कि अभी मैंने इस गाड़ी के सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं, इसकी एक शोरूम प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वैल्यू फॉर मनी, ये एग्जेड वेरिएंट, इसमें 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं। अगर टाटा टिगोर के वीडियो के साथ आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का आंसर दूंगा। और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।